हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्टेप बाय स्टेप स्टडी। सो गाइस, कैसे हो आप सब? एज यू नो कि अब LIC की नोटिफिकेशन आ गई है, जो कि 2 तारीख को निकली है। तो मैं अब आपको आज की वीडियो में उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, और जल्दी से छोटी सी वीडियो के साथ हम उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे, और कितनी वैकेंसीज हैं, क्या आपकी एज होनी चाहिए, सब कुछ देख लेंगे। तो उससे पहले गाइस, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये मेरा चैनल का नाम है स्टेप बाय स्टेप स्टडी, इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए प्लीज़, ताकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है वो मिल जाए, ठीक है गाइस। तो ये आप देख लीजिए गाइस, मैंने नीचे वीडियोस डाली हैं अपने चैनल पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए एंड आपको ये देखिए। और दूसरी चीज़, RRB नोटिफिकेशन की मैंने पूरी वीडियो डाली है इसमें, जिन बच्चों को थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम है कि हाँ जैसे वो पूरी नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते, और पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और मैंने सब कुछ डिस्कस किया, आपको कैसे भरना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे क्या है, सब कुछ है उसमें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो गाइस ये देख लीजिए, LIC की नोटिफिकेशन आई है आपकी, ठीक है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट है AAO, तो ठीक है। दूसरी चीज, अब हम नीचे चलते हैं, देखते हैं कि कितनी पोस्ट हैं, क्या हैं, क्या नहीं, सब कुछ इसके बारे में। सीधा हम नीचे चलते हैं जहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू है आपका पॉइंट। तो आप देख सकते हैं गाइज, ये क्या है आपका प्रपोज एग्जामिनेशन सेंटर्स AAO। अब इसमें कितनी पोस्ट हैं, किस किस के लिए हैं, जर्नलिस्ट, IT, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्चुरियल और राजभाषा, ठीक है। जर्नलिस्ट का IT के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, CA के लिए, एक्चुरियल के लिए और राजभाषा के लिए, हम नीचे डिस्कस करेंगे। अब जो ऑनलाइन मेन्स एग्जामिनेशन, ठीक है, वो कब कंडक्ट होगी, 28 जून 2019, और उसके सेंटर्स आप नीचे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पढ़ेंगे। अगर अपने आंध्र प्रदेश से भरा है तो आपके सेंटर गुंटूर, कुरनूल, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम कहीं भी पढ़ सकता है। अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिए, नाहरलगुन में पड़ेगा। असम से भरा है तो गुवाहाटी, सिलचर कहीं भी पढ़ सकता है। बिहार से भरा है तो भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना कहीं भी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं आपका बिलासपुर, राजपुर, रायपुर कहीं भी, और चंडीगढ़ का सेंटर चंडीगढ़ मोहाली में पड़ेगा। दिल्ली NCR का दिल्ली NCR में ही पड़ेगा। गोवा का पानाजी में पड़ेगा। गुजरात से भरते हैं तो अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा कहीं भी आपका सेंटर आ सकता है। अगर आपने हरियाणा स्टेट से भरा है तो बता दें आपको कि अंबाला और हिसार इसका मेन्स का सेंटर पड़ेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर, शिमला, और जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू या श्रीनगर में से कहीं भी सेंटर पड़ सकता है। तो गाइज ये देख लीजिए, ये आपके स्टेट्स हैं, अगर आप यहाँ से फिल करते हैं तो आपके सेंटर्स इन जगह पे पड़ेंगे, ठीक है। अब नीचे चलते हैं जल्दी से, ये देखिए गाइस, आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं इसमें वो है आपकी 590 वैकेंसीज, ठीक है। अब जो रिजर्वेशन है शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, OBC सबके लिए इसमें रिजर्वेशन है इसमें, ठीक है। अब AAO जर्नलिस्ट, अब आप देख लीजिए कितनी कितनी सीट्स हैं आपकी टोटल, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, और उसी हिसाब से आप भरना कैटेगरी वाइज भी, ठीक है। ये देखिए AAO जर्नलिस्ट में SC की जो है वो 55 हैं, ST 35, OBC के लिए जो है वो 85 सीट्स हैं, EWS 35, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं आपकी 140 सीट्स, तो जो कि टोटल मिला के आपकी बन जाती है 350 सीट्स, ठीक है। AAO जर्नलिस्ट IT वालों के लिए गाइस 150 सीट्स, जिसमें कि ठीक है 150 सीट्स हैं IT वालों के लिए, जिसमें कि SC के लिए 25, ST 14, OBC 36, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 15, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं आपके 60 सीट्स। AAO CA चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हैं आपके SC के साथ, ST 5, OBC 13, EWS 5 और अनरिजर्व 20, जो कि मिला के आपके बनती हैं 50 सीट्स, ठीक है। AAO एक्चुरियल के लिए आप देख लीजिए 12 सीट्स हैं अनरिजर्व्ड में, और टोटल सीट्स हैं आपकी 30, ठीक है। अब क्या है आपका, अब इन सब का पोस्ट मिला के जो SC के लिए हैं आपकी वो 92 सीट्स अवेलेबल हैं, ST के लिए 58, OBC के लिए 144, ये सारी कैटेगरीज मिला के, ठीक है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी 237 सीट्स, ठीक है, टोटल मिला के ये सब टोटल करके आपका बन जाता है 590 सीट्स, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं गाइस और देखते हैं इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या है।
तो आप यहाँ से देख लीजिए 500 टोटल कितनी सीट्स हैं, 590 सीट्स हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बता दूं मैं, रिजर्वेशंस आपकी रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी बैकवर्ड क्लास के लिए हैं इस चीफ का। चलो गाइस नीचे चलते हैं, आप देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब रिजर्वेशन फॉर द पर्सनल पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए आप यहां से पढ़ लीजिए क्या क्या है, और अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए आप क्लेम करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए। विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए आप देख लीजिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो और हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये सब हैं आपकी डिसेबिलिटीज जिसके अंडर आप क्लेम कर सकते हैं। अब है यहाँ गाइज आपका इवेंट्स, शेड्यूल ऑफ इवेंट्स कब कभी होना है, ठीक है। स्टार्टिंग डेट जो थी आपकी, ये जो फॉर्म निकला था LIC का, ये निकला था 2 मार्च 2019 को ये फॉर्म निकला हुआ है आपका, ठीक है। और ये कब तक निकला रहेगा, ये है आपकी लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की और ऑनलाइन पेमेंट की, वो है 22 मार्च 2019, ठीक है। और कॉल लेटर्स आपके कब से आ जाएंगे, 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपके जो है कॉल लेटर्स आ जाएंगे। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन है आपकी, टेंटेटिव जो आपकी अभी डेट्स आई हैं, वो हैं आपके 5th and 4th May 2019। और मेंस की जो डेट आई है आपकी, वो है 28 June 2019, ठीक है। तो ये आपने देख लिया होगा गाइस, ये आपकी डेट्स हैं और आपको कब कब फिल करना है। 2 तारीख के फॉर्म निकले हैं और 22 तारीख तक आप फिल कर सकते हैं मार्च में, ओके। सो लेट्स गो डाउन नाउ। एलिजिबिलिटी कंडीशंस या क्राइटेरिया हम देख लेते हैं गाइस क्या है। मिनिमम एज जो है आपकी, ठीक है, अब वो होनी चाहिए 21 साल। तो आपके 1/3/2019 मतलब 1 मार्च 2019 को आपकी मिनिमम एज जो है, एज होनी चाहिए 21 साल, ठीक है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ओके। और जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है जो कैंडिडेट्स हैं वो 2 मार्च 1989 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ना ही 1/3/1 मार्च 1998 के बाद, ठीक है। जो मतलब कहने बस यही है इसमें, 1 मार्च 2019 को मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए। 30 साल से एक दिन ऊपर नहीं है, 21 साल से एक दिन नीचे नहीं। तो आप नीचे देख लीजिए, एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन जो है आपकी एज रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर्स की है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स की है। अब पीडब्ल्यूबीडी जनरल के लिए 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी के लिए 15 ईयर्स, एंड पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 ईयर्स, और ईसीओ जनरल जो है 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, ईसीओ एससी एसटी के लिए 10 ईयर्स की है, ठीक है, और ओबीसी के लिए सिमिलरली 8 ईयर्स की है। अब गाइस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके क्या होनी चाहिए। AAO, जैसे कि आपने देख लिया कि आपकी AAO जर्नलिस्ट, IT, CA इन सब के लिए निकली हुई है वैकेंसीज। तो जर्नलिस्ट के लिए क्या होना चाहिए, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, और एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो एक बैचलर डिग्री को आपको होल्ड करना है। अब AAO IT जो है उसमें क्या है, जो जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, IT में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो भर सकते हैं, ठीक है, या फिर MCA कर रखी हो या MSc कंप्यूटर साइंस में कर रखी हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं AAO IT के लिए, ठीक है। AAO चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हम देख लेते हैं क्या होना चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एंड कैंडिडेट शुड हैव पास्ड फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ CA, जो है कैंडिडेट जो है उसको फाइनल एग्जामिनेशन CA का निकाला होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये नीचे देख सकते हैं, ये AAO के लिए जो है आपकी क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। अब आपका AAO एक्चुरियल के लिए देख लीजिए आप गाइस क्या है, कि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, एंड कैंडिडेट शुड हैव कंपल्सरली पास्ड पेपर CT1 and CT5+4 और मोर अदर पेपर्स ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया। जो एक्चुरियल के पेपर होते हैं आपने सुना होगा, उसमें से 4 or more पेपर्स जो है वो पास होने चाहिए एक्चुरियल के, ठीक है, और कंपल्सरी जो CT1 और CT5 है वो तो होना ही चाहिए, उसमें तो क्वालिफाई पास होने चाहिए आप लोग, ठीक है। अब ये देख लीजिए क्या लिखा है इसमें, कि टोटल 6 or more पेपर्स एज ऑन द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी 1 मार्च 2019 को आपको 6 पेपर जो है इसके क्वालिफाई होने ही चाहिए, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा। अब
वो कैसे आपके, ये देख लीजिए, सीटी वन सीटी फाइव है आपके, प्लस चार एक्चुअल के पेपर हो गए, तो कुल मिला के छः पेपर, चार और चार से ज़्यादा, तो छः से छः जिसको बन के मिलता है, छः या छः से ज़्यादा पेपर आपके हो जाने चाहिए एक्चुअल के। अब आपके गाइस आता है AAO राजभाषा के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि है मास्टर डिग्री हिंदी में या हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश, ठीक है, एज ऑन वन सब्जेक्ट एज बैचलर्स डिग्री लेवल, ठीक है। अब या फिर होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट बैचलर्स डिग्री लेवल, ठीक है। कहने का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री आपको होल्ड करनी है इंग्लिश में, और हिंदी जो है आपका सब्जेक्ट बैचलर डिग्री में आपका होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से नीचे आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री संस्कृत में भी चलेगी विद इंग्लिश, और इंग्लिश और हिंदी आपके बैचलर्स की लेवल पे आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिएगा ये वाला पॉइंट देख लीजिए आप, ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज एंड द रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड, जो रिजल्ट है आपका, ठीक है, वो 1/3/2019 से पहले ही आ जाना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे और भर पाएंगे इसको। ये नहीं है कि आपका रिजल्ट आया नहीं है और आपने इस फॉर्म को भर दिया, तो रिजल्ट 1/3/2019 से पहले आया होना चाहिए आपका हर उसके लिए। अब ये देख लीजिए आप एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स हैं आपके, बेसिक पे कितना है आपका, ये है 32,795, ठीक है, 32,795, ठीक है, पर मंथ स्केल ऑफ 32,795 जो है आप देख लीजिए। अलाउंसेस आपको मिलेंगे इसमें, जिसमें कि हाउस रेंट है, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, ठीक है, जहाँ भी आपके पोस्टिंग होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो सैलरी है वो 56,000 पर मंथ हो जाएगी इन आ ए क्लास सिटी, सिटी का भी वो होता है, तो ए क्लास सिटी में आपकी अप्रॉक्सीमेटली 56,000 जो है सैलरी होगी। अदर बेनिफिट्स हैं आपके, अदर बेनिफिट्स आपको पता ही, काफ़ी इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं जो बैंकिंग की जॉब्स होती हैं, तो आप इसमें बेनिफिट्स देख सकते हैं क्या क्या है, क्या क्या कवर किया गया है इसमें। मेडिकल बेनिफिट है, ग्रुप मेडिक्लेम है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है आपका, ग्रुप इंश्योरेंस है, व्हीकल लोन है आपका, टू व्हीलर और फोर व्हीलर पे लोन मिलने का है, ठीक है, रीएम्बर्समेंट टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ ब्रीफ केस लेटर लेदर बैग, तो काफ़ी है आपको एम्बर्समेंट मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी जॉब है इसमें, ठीक है। इसमें जो आपके बेनिफिट्स हैं पर्क्स हैं वो आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, सर्विस कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो आपका AAO की पोस्ट रहेगी इसमें जब आप ज्वाइनिंग करेंगे गाइस, तो ये नहीं है कि कोई एक बॉन्ड भरना पड़ेगा, 2,00,000 रुपए का आपका बॉन्ड होता है, ठीक है। और आप इसमें LIC जो ये कहती है, वो कहती है कि जब भी आपका एज अ प्रोबेशनर आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, कैंडिडेट्स जो है उनको एक अंडरटेकिंग लिख के देनी पड़ेगी कि जो वो LIC को सर्व करेंगे, 4 साल का मिनिमम पीरियड है जब उनको LIC को सर्व करना है। अगर वो इसमें फेल होते हैं या फिर आप अपनी जॉब को 4 साल से पहले छोड़ते हो, तो ये देख लीजिएगा 2,00,000 रुपए का आप बॉन्ड भरेंगे तो वो आपको वापस करना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा कि कितना कितना बॉन्ड है। तो ये देख लीजिए 2,00,000 रुपए का आपका बॉन्ड है जो आपको भरना पड़ेगा, और 4 साल का जो मिनिमम सर्विंग पीरियड है वो आपको पूरा करना पड़ेगा, 4 ईयर्स, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो आप ये जरूर से ध्यान से देख लीजिए इसको। चलो गाइस नीचे चलते हैं आपका, अब फीस देख लेते हैं हम। जो SC ST कैंडिडेट्स हैं, PWD कैंडिडेट्स हैं आपके, उनकी फीस तो है 100, और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं OBC जनरल जो भी आते हैं उनके लिए 600 प्लस ट्रांजेक्शन टैक्स, तो आप देख लीजिए ये आपकी फीस है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं गाइस, प्रिलिमिनरी जो लेवल होता है उसमें क्या है आपका, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, क्वान्टिटेटिव एबिलिटी आएगी और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, ठीक है। तो जो कि स्पेशल एम्फेसिस दिया जाएगा इंग्लिश में भी, ग्रामर वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन को। टोटल क्वेश्चंस देख लीजिए 35, 35 और 30, रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव में 35 एंड इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस होंगे। अभी ये देख लीजिए मैक्सिमम मार्क्स 35, 35, 30, कहने का मतलब है हर एक क्वेश्चन का एक नंबर होगा, ठीक है। और मीडियम जो होगा एग्जामिनेशन का वो इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा, जिसमें वो आप ऑप्ट करेंगे आपका वो उसी में आपको पेपर दिखाएगा। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अब आप ये तो है नहीं पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का दे रहे हो तो हिंदी में तो आएगा नहीं, तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश में ही होगा। अब यहाँ पर देख रखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, जैसे कि मिनिमम क्वालिफाइंग है आपका 35 का रीजनिंग है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग 16 है SC ST के लिए और बाकी स्टूडेंट्स के लिए 18। सिमिलरली क्वांटिटेटिव में 16 है SC ST और OBC जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 18। टाइम देख लीजिए गाइस, रीजनिंग के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, क्वांटिटेटिव के लिए 20 और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है।
अब देख लीजिए, एक चीज है इसमें स्टार, आप कहेंगे स्टार स्टार क्या लगा, स्टार स्टार है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा गाइस, ये क्वालिफाइंग होगा नेचर में, और क्या है इंग्लिश लैंग्वेज के जो है मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। जब रैंकिंग होगी, आपकी रैंकिंग आएगी, तो इंग्लिश लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ के नहीं आएंगे। जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जितनी जो भी आपकी वो है कैंडिडेट्स, इक्वल टू 20 टाइम्स नंबर, जितनी भी वैकेंसीज हैं उसकी 20 टाइम्स जो होंगे वो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए वो शॉर्टलिस्ट होंगे। अब मेंस एग्जामिनेशन देख लेते हैं गाइस, कितने मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का होगा, और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, मतलब रिटन टेस्ट होगा, वो होगा आपका 25 मार्क्स के लिए, ठीक है। और जो भी ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, ये ऑनलाइन मोड पे होगा, कहने का मतलब है कंप्यूटर पे होगा आपका। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं क्या नहीं है। तो अगर आपका AAO जर्नलिस्ट से आप भरते हैं, ठीक है, तो इसमें रीजनिंग आएगी आपकी, उसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं आपके 90 है, ठीक है, 3×9, तो आप देख लीजिए कितने का होगा, ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप दे सकते हैं पेपर। और सिमिलरली यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ST कैंडिडेट्स के लिए 40 और बाकी कैंडिडेट्स के लिए हैं 45। टाइम ड्यूरेशन आपकी रहेगी 40 मिनट्स। जनरल नॉलेज का 30 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और 20 मिनट्स आपका टाइम ड्यूरेशन है। फिर आपका आएगा करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स इसमें नहीं है। दूसरी चीज, तीसरे हैं आपका डी डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, DI आपकी आएगी, 30 क्वेश्चंस होंगे, 90 मार्क्स के होंगे, और 40 मिनट्स आपको अलॉट किए जाएंगे। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, तो इसमें आपके 30 क्वेश्चंस हैं, 90 मार्क्स के होंगे, और ड्यूरेशन आपके 20 मिनट्स। तो बाकी जो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये 120 हैं, और आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 300 रहेंगे, और ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन होगी इस पेपर की 2 आवर्स। अब आएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड एसे, तो ये इस डिस्क्रिप्टिव पेपर की मैं बात कर रही थी जो आधे घंटे का होगा, ये देख लीजिए इसमें 25 मार्क्स का है इसमें, प्लस जो टाइम लिमिट है आपकी 30 मिनट्स है, ओके। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं, हमने आज जर्नलिस्ट का सिलेबस देख लिया, अब IT चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक्चुरियल का सिलेबस ये है गाइस। रीजनिंग एबिलिटी आएगी उसमें, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आएंगे, प्रोफेशनल नॉलेज भी होनी चाहिए, आपने हर अपनी फील्ड से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का होना चाहिए आपको नॉलेज, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, 30 क्वेश्चन आएंगे टोटल, ठीक है। तो रीजनिंग एबिलिटी के 90 मार्क्स के होंगे, जनरल नॉलेज के आपके 60 मार्क्स के होंगे, प्रोफेशनल नॉलेज जो है आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, 90 मार्क्स के होंगे, और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस 30 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। टोटल जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो 120 क्वेश्चंस है, और टोटल मार्क्स हैं आपके 300, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी इंग्लिश का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपका, जो ऑनलाइन मोड पे ही होगा, एसे राइटिंग है, एसे, ठीक है, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग है। तो कितने क्वेश्चंस आएंगे इसमें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 होंगे, और जो कि है मैक्सिमम मार्क्स आपके 25, टाइम अलॉटेड होगा आपको 30 मिनट्स का। तो आप यहाँ पर देख लीजिए SC ST कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, और जनरल्स के लिए इतने हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, 1-2 नंबर का ही हर उसमें फ़र्क है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आते हैं राजभाषा पे, जो राजभाषा में अप्लाई करना चाहते हैं AAO के, उसमें वो देख लीजिए, रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स के, जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के, प्रोफेशनल नॉलेज अपनी फील्ड की होनी चाहिए 30 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स के, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस 30 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन आपके 120 हैं, और 300 मार्क्स के आएंगे, और 2 आवर्स का टोटल ड्यूरेशन पेपर का वो आपको देना पड़ेगा, राइट। तो बाकी आपकी रहेगी नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, जो भी इसकी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, इन केस आपने डिस्क्रिप्टिव में आपने इंग्लिश चूज किया है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है, एंड अगर आपने हिंदी चूज किया है तो हिंदी लैंग्वेज की जो है आपका नॉलेज होना जरूरी है। तो 30 मिनट्स का डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा आपका, ओके गाइज। तो ये था आपका सारा का सारा, और जो इंग्लिश, मैं फिर बता दूं आपको, जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है वो एक क्वालिफाइंग नेचर का है, और जब आपकी रैंकिंग आएगी वो इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट की मार्क्स आपके रैंकिंग में नहीं जुड़ेंगे, राइट। इट्स ऑफ अ क्वालिफाइंग नेचर, यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई द पेपर, द मार्क्स विल नॉट बी एडेड इन द फाइनल स्टेज, ओके। नाउ लेट्स सी गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एंड मेंस। गाइडलाइंस आपको दिए गई हैं, सबसे पहली चीज, एक वैलिड आपके पास एक कॉल लेटर की जो है फोटोकॉपी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, वो आपको लेके जानी है। सेकंड थिंग, फोटोकॉपी होनी चाहिए आपकी ओरिजिनल
पहले तो ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है आपको, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और आईडी प्रूफ ऐसा हो जिसमें आपकी फोटो क्लियर हो, दूसरी चीज उसमें जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो, तीसरी चीज हाउस एड्रेस मेंशन हो, इस टाइप का फोटो आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है, और सिमिलरली उसकी फोटो आईडी प्रूफ की जो है फोटो कॉपी आपको लेके जानी है, ठीक है। तो ये ना हो कि आप भूल जाए, सबसे पहले तो कॉल लेटर, दूसरी चीज एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है और उसी की फोटो कॉपी आपको लेके जानी है, ठीक है। अब चलते नीचे, आपकी वहां पर बायोमेट्रिक होगी, ठीक है, एज यू नो, और वो आपका सारा जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपका ये सब हो जाएगा। इसमें पर्सनल पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आपको दिया हुआ है वो क्या क्या होना चाहिए और वो किस टाइप का स्क्राइब लेके जा सकते हैं जो अपने साथ में वो LIC को सर्व उन्होंने नहीं किया हो और ना ही अभी एट प्रेजेंट LIC को सर्व कर रहा हो, स्क्राइब जो है जो लेके जाए वो ऐसा ही होना चाहिए। फेज थ्री जो है आपका वो होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर फॉर शॉर्टलिस्टिंग, जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसमें आपके प्रिलिमिनरी के मार्क्स जो है वो कंसिडर नहीं होंगे, सिर्फ आपके मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स कंसिडर होंगे और जो मार्क्स आपको इंटरव्यू में मिलेंगे वो कंसिडर होंगे, राइट। तो इस तरीके से आपका इंटरव्यू का वो शेड्यूल हो जाएगा। प्री एग्जाम ट्रेनिंग होगी OBC SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, वो आप अवेल कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग लें तो आप वो भी ले सकते हैं, वो आपको एक ऑप्शन आएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये ईयर एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट का आपको पता ही है, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर कुछ भी अनफेयर मीन्स आप यूज़ करते हो अपने एग्जाम में, तो उसके लिए देखना कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सामान कुछ नहीं लेके जाना अंदर, ठीक है। बायोमेट्रिक है आपकी, तो उसके लिए कैप्चरिंग वेरिफिकेशन होगी आपकी बायोमेट्रिक डाटा, ठीक है। बायोमेट्रिक आपको क्या इंश्योर करना है, सबसे पहले जो गर्ल्स हैं वो मेहंदी ना लगाएं, ठीक है, कुछ कलर ना हो हाथ पे, हाथ साफ सुथरे हो, उसमें मिट्टी ना लगी हो, ठीक है। फिंगर्स आपके ड्राई होनी चाहिए, हैंड्स आपके ड्राई होने चाहिए, मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब हम अपना बायोमेट्रिक होता है हमें थंब इंप्रेशन उनको लेना होता है तो काफ़ी दिक्कत आती है, अगर हमारे मेहंदी लगी हुई है, हाथ ड्राई नहीं है, कुछ भी है तो उसको दिक्कत आती है, तो आप ध्यान से देखना जाना, तो आपकी ये सब नहीं होना चाहिए, राइट। आपका एप्लीकेशन आप अप्लाई कैसे करना है, आपका ऑनलाइन मोड है आपका एप्लीकेशन का। अब दूसरी चीज, जब रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है, जो आपके सिग्नेचर हैं वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन होना चाहिए और अच्छे से प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए। अब गाइस जो डिक्लेरेशन है, आपको डिक्लेरेशन लिखनी है, उसमें ये देख लीजिए कैसे होनी चाहिए, वो रनिंग हैंड में होनी चाहिए, आपको ही लिखना है उस डिक्लेरेशन को, ये नहीं है किसी और से लिखवा लियो, और ऐसा होना चाहिए, आए आपका नाम, हेयरबाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर करेक्ट ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपकी डिक्लेरेशन है जो आपको रनिंग हैंड में लिखनी है, किसी और से नहीं लिखवाना है, और इसी को स्कैन करके आपको डिक्लेरेशन वाले कॉलम में आपको इसको डालना है, ठीक है। जो आपको ईमेल आईडी देनी है वो करंट ईमेल आईडी देनी है, मोबाइल नंबर अपना देना है, क्योंकि वो आपको इंटिमिडेट करेंगे कि कब आपको बताएंगे कि हाँ भाई इस टाइम पेपर है, तो वो सारे आपका आईडी पे आएगा और मेल पे आईडी पे आएगा प्लस आपका फ़ोन पे आएगा, तो इसलिए एक वैलिड नंबर वैलिड ईमेल आईडी ही देनी है, वरना आपको पता नहीं चलेगा कब एग्ज़ाम है कब नहीं निकल जाएगा एग्ज़ाम, राइट। आपको एप्लीकेशन फ़ीस आपको बताई दी गई है कितनी है कितनी नहीं है, तो ये देख लीजिए। पेमेंट ऑफ फीस जो है वो ऑनलाइन मोड से होगी आपकी, राइट, तो कैसे कैसे होगी आपकी वो देख लीजिए आप, डेबिट कार्ड, रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट, कैसे भी आपकी हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज, आप सब आफ्टर सबमिटिंग योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज वेट फॉर द इंटीमेशन फ्रॉम द सर्वर, डोंट, आपको बैक ऑप्शन प्रेस नहीं करना या फिर रिफ्रेश बटन प्रेस नहीं करना, वेट कीजिएगा, सर्वर आपको रिप्लाई करेगा तब तक, ठीक है, एकदम पेमेंट के बाद आपको नहीं करना वो। गाइडलाइंस है आपकी अपलोडिंग, जो आपकी इमेज है वो 20 फोटोग्राफ हुए हैं आपकी 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए, आपको जो है पिक्चर एक सनी डे में नहीं लेनी है, ऐसा नहीं हो कि सन आपके पीछे हो या शेडो पड़ रही हो, ठीक है, आंखों में देख लीजिएगा रिफ्लेक्शन ना पड़ रही हो, स्पेक्स के साथ देखिएगा, एंटी ग्लेयर में ही वो हो कि वहाँ से ग्लेयर ना पड़ रहा हो, ठीक है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है साइन ऑन अ वाइट पेपर विद अ ब्लैक इंक पेन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन से ब्लू या ब्लैक इंक से आपका होना चाहिए, तो ये सब है। आपका सिग्नेचर कितने का होना चाहिए, आपका साइज फाइल साइज होना है 10 से 20 KB,
और स्कैंड इमेज 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए सिग्नेचर आपका, ठीक है। लेफ्ट फ्रेम इंप्रेशन का 20 से 50 KB के बीच में जो है आपकी फाइल साइज होने चाहिए, ठीक है। डायमेंशन देख लीजिए आप, JPG और JPEG, हैंड रिटन डिक्लेरेशन वही है आपका, कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, रनिंग हैंड में होना चाहिए, 50 से 100 KB का बीच में है ये। बाकी अगर स्कैनिंग है आपके डॉक्यूमेंट्स की, ये कैसे कैसे हैं आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। सो गाइज, यही सब था इस LIC के नोटिफिकेशन में, इस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको याद ध्यान में रखनी है, ठीक है। और आई होप आपको समझ आ गया होगा, बाकी कुछ भी नहीं समझ आया हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको जल्दी से जल्दी आपको इसको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइज, इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, ठीक है।